बेकाबू, बिहार में बेकाबू कोरोना को रोकने के लिए सीएम का बड़ा ऐलान हुआ है। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद कर दिया गया है। आवश्यक सेवाएं कहें तो स्वास्थ्य सेवा और अन्य मालवाहक चीज़ों को छोड़कर तमाम चीज़ों को बंद कर दिया गया है। बेकाबू हो गया है बिहार में कोरोना। सरकार लाचार और बेबस होकर लॉकडाउन का फैसला लिया और बिहार में फिर से आज से ही 15 मई तक लॉक कर दिया गया है। बिहार को लॉकडाउन लगा दिया गया है। सभी दफ्तर, बाजार व वाहन बंद। बाजा विन होगी शादी। शादी विवाह करने के लिए भी 3 दिन पहले स्थानीय थाना को सूचना देनी होगी। सब जरूरी चीज़ों की दुकानें सुबह 7 से 11 बजे तक ही खुलेंगे। स्कूल, कॉलेज, धर्मस्थल भी लॉक। पैदल चलने पर रोक। बेवजह पैदल आप भी नहीं चल सकते हैं। अगर बाहर निकले हैं पैदल भी तो आपको वजह दिखानी होगी, प्रमाण दिखाना होगा। यानी कि 15 जून तक आपको बिहार को लॉक कर दिया गया है। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। मैं आपके साथ हूं सुनील बॉबी। तो बिहार में एक बार फिर से 15 मई तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। यानी कि बिहार को फिर से एक बार लॉक कर दिया गया है और आज से ही पूरे बिहार में पाबंदी लगा दी गई है। बिहार को लॉक कर दिया गया है और इतनी बड़ी पाबंदी कि पैदल चलना भी अब वजह होनी चाहिए। अगर आप पैदल बाजार हाट जा रहे हैं या कहीं भी किसी काम से जा रहे हैं तो आपको वजह आपके साथ लेके चलना होगा कि किस काम से बाहर जा रहे हैं। सबूत आपके पास होना चाहिए, न तो कानूनी कार्रवाई आप पर होगी, डंडे चलेंगे प्रशासन के। देखिए, बिहार में सभी दफ्तर को बंद कर दिया गया है। बाजार वाहन बंद हो गए हैं। बिन बाजा के शादी होगी। 50 लोगों की मात्र शादी विवाह में ही उपस्थिति होगी। जरूरी चीज़ों की दुकानें सुबह 7 बजे से 11 बजे तक ही खुलेंगे। सब्जी की दुकानें, फल की दुकानें, दूध की दुकानें और किराना की दुकानें 7 बजे से 11 बजे तक ही खुलेंगे। स्कूल, कॉलेज और धर्मस्थल भी लॉक हो गया है। पैदल चलने पर भी रोक लग गई है। इन पर पूर्ण प्रतिबंध है। किन किन चीज़ों पर है थोड़ा सा आप समझ लें। सड़क पर अनावश्यक आवागमन पैदल सहित पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। सभी धर्म स्थल आम लोगों के लिए बंद रहेंगे। सभी शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। परीक्षाएं अभी नहीं होगी। सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन व समारोह प्रतिबंधित रहेंगे। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान पूरी तरह से बंद रहेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर सभी सरकारी एवं निजी आयोजन पर रोक रहेगी। सभी कार्यालय बंद रहेंगे, लेकिन आवश्यक सेवाओं जैसे जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, बिजली आपूर्ति, जल आपूर्ति, स्वच्छता, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय काम करते रहेंगे। न्यायिक प्रशासन के संबंध में हाईकोर्ट के द्वारा लिया गया निर्णय लागू रहेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगा, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर बैठने की क्षमता के 50% के उपयोग की अनुमति रहेगी, लेकिन सिर्फ रेलवे, प्लेन अथवा अन्य लंबी दूरी की यात्रा करने वाले तथा जरूरी सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों को ही सार्वजनिक परिवहन के उपयोग की अनुमति होगी। स्वास्थ्य कार्य के इस्तेमाल किए जाने वाहन वाले वाहन, सरकारी वाहन, ई पास वाले वाहन, मालवाहक जैसे निजी वाहन जिसमें प्लेन, ट्रेन के यात्री हों और उसके बाद टिकट हो, ट्रेन या हवाई जहाज के टिकट हो, सरकारी सेवकों एवं अन्य अनुमान सेवाओं के निजी वाहक एवं अन्य राज्यों में जाने वाले निजी वाहन भी चलेंगे। देखिए, दूसरी बात है कि रेस्टोरेंट और खाने की दुकानें बंद रहेगी, लेकिन इनका संचालन केवल होम डिलीवरी के लिए सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक किया जाएगा। नेशनल हाईवे पर स्थित ढाबे टेक होम के आधार पर चलेंगे। सब्जी और राशन की दुकान सुबह 7 बजे तक ही खुली रहेगी। आवश्यक खाद्य सामग्री तथा फल एवं सब्जी ठेला पर घूम घूम कर बिक्री सहित मांस, मछली, दूध, पीडीएस की दुकानें सुबह 7 बजे से 11 बजे तक ही खुली रहेगी। विवाह के लिए थाने को 3 दिन पहले ही देनी होगी सूचना। देखिए, अगर आपके घर में शादी विवाह है तो आपको स्थानीय थाने को 3 दिन पहले सूचना देनी होगी और 50 लोग
लोग ही शादी विवाह में शामिल हो सकते हैं। डीजे नहीं बजेंगे, रोड लाइट नहीं लगेगा, धूमधाम उस तरह से लाउड स्पीकर नहीं बजेंगे, तमाम चीज़ों पर पाबंदी लगा दी गई है। स्वास्थ्य सेवाएं हर प्रकार के प्रतिबंध से बाहर रहेंगे। स्वास्थ्य सेवाएं से जुड़ी जितने भी अस्पताल एवं अन्य संबंधी है, पशु स्वास्थ्य सहित तमाम चीज़ों को खुला रखना है। अब यहाँ हम बता दें कि वाणिज्य एवं अन्य निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। अन्य सभी प्रतिष्ठान वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, लेकिन बैंकिंग, बीमा, ATM संचालन से संबंधित प्रतिष्ठान, औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान, सभी प्रकार के कंस्ट्रक्शन कार्य, ई कॉमर्स गतिविधियां, कृषि एवं इससे जुड़े कार्य, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल सेवा, पेट्रोल पंप, LPG, पेट्रोलियम से संबंधित खुदरा एवं भंडार प्रतिष्ठान, कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएं, प्राइवेट सिक्योरिटी सेवाएं जारी रहेगी। ऐसा ही लापरवाही का परिणाम है। लॉकडाउन आज अब भी नहीं चेते तो बिगड़ेगा। जिस प्रकार से भीड़ भाड़ वाली अगर जो माहौल बनाकर हम और आप रखे हैं, अगर अब भी नहीं चेते तो हालात और बिगड़ेंगे। कोरोना की पहली बार में लॉकडाउन 4 बार बढ़ाई गई थी पाबंदियां। पहली बार 22 मार्च से 14 अप्रैल तक लगा था 2020। दूसरी बार 15 अप्रैल से 3 मई 2020 तक पाबंदी लगाई गई थी। फिर तीसरी बार आके बढ़ाया 4 मई से 17 मई 2020 तक हुआ। और चौथी लॉकडाउन जो है पूरे भारत में 18 मई से 31 मई तक लगाया गया था, और अब फिर से बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। तो इस तरह से जो है बिहार में फिर से लॉकडाउन हो गया है, और हमें पाबंदियों के बीच रहना है, साथ देना है, यानी कि लगातार जो है संक्रमण आज भी बढ़ रहे हैं। पटना में सर्वाधिक 2681 नए संक्रमित मरीज बीते दिन मिले हैं। गया दूसरे नंबर पर आया है। राज्य में कोरोना के 14794 नए मामले मिले हैं। पहली बार एक दिन में 105 मौतें हुई है। बिहार में एक्टिव रेशियो 21% हर घंटे 3 मरीजों की मौत हो रही है। रिकवरी रेट अब 78.36% हो गई है। एक सप्ताह में मौतें जो हैं लगातार होती चली जा रही है। मंगलवार को बहुत सारे मरीज मिले हैं, यानी कि पिछले 24 घंटे में 94,891 सैंपल की जांच हुई है, जिसमें 14,794 संक्रमित पाए गए हैं। तो लगातार रेशियो 10 से ऊपर 15 के करीब पहुंच रहा है। दिन बीच सरकार और कोर्ट को फैसला लेना पड़ा। कोर्ट भी दखलंदाजी हर जगह करने लगी है, और ऐसा अब हो रहा है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो सेना के हवाले तमाम चीज़ों को दे दिया जाएगा। सरकार नहीं चेती। जब चेतने की ज़रूरत थी, व्यवस्था सुलभ करवाने की ज़रूरत थी, तो सरकार बल्ले बल्ले के फेर में थी, सोई हुई थी। बिहार सरकार की ही बात नहीं, केंद्र सरकार की भी बातें मैं कर रहा हूँ। चुनाव में मशगूल थी, हर चीज़ की व्यवस्था में मशगूल थी। अगर व्यवस्था यहाँ पर अगर सुलभ हो जाता तो आज इतनी मौतें न होती, आज इतना भयावह स्थिति नहीं होता। हर देश में जहाँ टीके लग रहे थे तो भारत क्या कहें, तमाम चीज़ों को छोड़कर अन्य चीज़ों पर ध्यान लगाई हुई थी। तो फिलहाल कुछ भी हो, अब साथ तो देना है, कोरोना से लड़ना है, कोरोना से जीतना है, तो इसके लिए हमें पाबंदियों के बीच रहना होगा। घर से आपसे निवेदन है कि घर से जब भी बाहर निकलें तो मास्क लगा कर निकलें, 2 गज की दूरी बना कर निकलें, तमाम चीज़ों को ध्यान में रखें, और समाज को बचाने के लिए, कोरोना को हराने के लिए पहल करनी होगी। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।